अभिषेक। तो अभी तक जो था सिर्फ हम लोग देख रहे थे कि किसमें कितना दम है, कौन इवेटा को लेके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कहता हूं इवेटा आप लोगों की कंपनी रहेगी, इट्स नेवर गोइंग टू बी माय प्रॉपर्टी और माय फैमिली प्रॉपर्टी, आज भी मैं बात कहता हूं। और ये जो मोटिव है, इस मोटिव के साथ और जो मेहनत है, उस मेहनत के साथ हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए नहीं रोक सकता, आप लोगों से मैंने एक बार बोला था कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो स्ट्रक्चर है, जो वो सेक्टर है, उसको इतना कॉम्पिटिशंस देंगे। और आज उसी कॉम्पिटिशन के साथ जो हम लोगों ने आपसे बात कही थी, हम उसी सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और करेंगे। इसीलिए जब बोला था कि इवेदा इतिहास रचेगी, इवेदा इतिहास रचेगी, मैं आप लोगों को दो या तीन प्रोडक्ट का ही एग्जाम्पल देके, आप लोगों को हमने कहा था कि हम अपना जो एलोवेरा जूस है वो हाफ लीटर 149 का लेके आएंगे, वो इसी महीने लॉन्च होगा और हम लेके आएंगे। हम हर चीज को बहुत गहराई से काम कर रहे हैं, हम फायदा और नुकसान नहीं देख रहे। आज तक हमने ये नहीं, मैं इतना कई बार हमारी परिस्थितियां नहीं होती कि हम उतना कर पाए, बट हमें खुश रहना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं और उसको सही ही करेंगे और सही करते रहेंगे। और उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कल्चर को बिल्ड करना है। आप लोग जितना मजबूत एक संस्कृति और सभ्यता को बिल्ड करोगे उतना ही आपकी पहचान जाएगी। और अभी तो हमने ग्लोबली जाना है, इंडिया तो एक हमारी शुरुआत है, आनंद तो तब आएगा जब हम विदेशों में इवेदा को लेके जाएंगे, तब आनंद आएगा। और इवेदा जाएगी क्योंकि उसकी पहचान ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल्स पे है और वो आप लोग ही लेके जाएंगे, कोई वहां एक अलग नहीं होने वाला। आप लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप लोग ही अपनी चीजों को लेके जाएंगे, आप लोगों के ही डाउनलाइंस वहां पे जाएंगी। और वो भी आनंद आएगा कि जब हम किसी विदेश की धरती पे सैकड़ों लोग मिलके एलडीपी करेंगे, वो भी वक्त आएगा। तो सब कुछ पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके लिए हमें बिल्कुल शांति से, शांत मन से, खुश रह के काम करने की जरूरत है और मिलके काम करने की जरूरत है और इवेटा को आगे लेके और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हम सबको बढ़ाना है, बूंद बूंद करके इसमें डालते रहिए, ये एक दिन पेड़ बड़ा होके आपको फल जरूर देगा, ये डेफिनेटली आपको फल देगा। तो इसी के साथ आज मैं आप लोगों का दिल से फिर धन्यवाद करता हूं और सिर्फ मेरी आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहिए, हर मोमेंट हर वक्त। मुझे आपके पे आउट्स, आप कितने बड़े लीडर्स बन पाते हैं, क्या करते हैं, वो आपका अपना अस्तित्व है। मेरा सिर्फ इतना ये है कि हमारे लोग एक अच्छे इंसान बने, एक सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करें और इवेदा को एक बहुत ही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाए। बहुत हलचलें आएंगी, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बहुत कुछ होगा, कॉम्पिटिशन्स आएंगी, लोग आएंगे, लोग हमें डिरेल करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन जो विश्वास होता है ना, विश्वास एक चीज है कि हमें एक चीज में हमेशा अपने आप में रखना चाहिए कि आप लोग इवेदा की नियत और सोच है। तो अगर आप लोग मजबूत हैं तो इवेदा की सोच मजबूत है, अगर आपकी सोच जाएगी तो इवेदा जाएगी, ये बात मान के रखिए आप लोग। अगर आप लोगों में नेगेटिविटी आएगी तो वो इवेदा में नेगेटिविटी आएगी, आपकी सोच डोलेगी तो इवेदा डोलेगी। इवेदा कुछ एक नाम है बट वो नाम आप सभी लोगों की कलेक्टिवली सोच का नाम है, वो कुछ और नहीं है, वही उसका अस्तित्व है। तो आप सच्चे इवेदा सच्ची, आप झूठे इवेदा झूठी, सिंपल। तो आपने बहुत ही तरीके से, और उसका एक ही गुण सूत्र है काम करने का, कि भाई अगर अगले को मैं दो का फायदा दे रहा हूं, एक रुपए का मुझे हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है।
मैं अगले को रास्ता अच्छा दिखा रहा हूं तब मुझे फायदा हो रहा है, वो काम करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए।